कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला गैंगस्टर विकास दुबे 24 घंटे के बाद भी लापता है। तलाशी में पुलिस की 20 टीमें पूरी रात छापामारी करती रही। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इन लोगों को मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर ही पकड़ा है। दरअसल इन लोगों से विकास दुबे की घटना से पहले 24 घंटे पहले बातचीत हुई थी, और हैरानी की बात यह है कि विकास के कॉल डिटेल्स में भी कुछ पुलिस वालों के नंबर आए हैं। जांच कर रही टीम इसी बात की भी जांच कर रही है कि क्या रेड की सूचना विकास को किसी पुलिस वाले ने दी थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास को पुलिस के आने की जानकारी पहले से दे दी थी। शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड है। तीनों की कॉल डिटेल्स के आधार पर ही अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जहाँ कहूँ उन्हें अच्छाई चाहिए तो उन्हें हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा है, ना तो पुलिस का ढूंढ ना ही सकते हैं। जितनी जल्दी दुनिया बाहर सो रही हुई गई है, रात की बात रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाए? हाँ, सामने आ जाए हैं, तो पुलिस खुदा ही अपन देखिए करिए जो हम करिए। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहते पकड़ लो तब काउंटर कर दो, उसने बहुत बुरा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अधिकारी और कर्मी शहीद हुए हैं, साथ ही साथ जिसमें 6 पुलिस कर्मी हैं और 1 होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे सहयोगी कानपुर देहात से मौजूद है। शिवेन, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, 20 टीमें छापामारी कर रही है, 12 लोग पुलिस के ही ऐसे हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, और वो भी सबूत के साथ, यानी कि कॉल डिटेल्स में दोनों तरफ से नाम आया है उनका। देखिए नवजोत, इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी ही कॉल डिटेल है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो वहां से मिल सकती थी वो विकास दुबे उसका सर्वर, उसकी हार्ड डिस्क जाते वक्त, फरार होते वक्त वहां से लेके चला गया। तो सबसे बड़ी कड़ी जो है वो कॉल डिटेल है, जो कि विकास दुबे और दूसरे लोगों के बीच में बातचीत हुई है, और इसी के आधार पर पुलिस अभी अपनी जांच बढ़ा रही है। साथ ही साथ रात भर जो छापेमारी कार्रवाई हुई है उसमें विकास दुबे के जितने भी रिश्तेदार हैं, करीबी जो जानने वाले आसपास बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनके सबके यहाँ छापेमारी हुई है और उन सबसे पूछताछ के लिए लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन एक अहम बात बेहद जरूर है इसमें, जिसमें पुलिस वालों की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। हालांकि अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चौबेपुर थाने की पुलिस है वो लगातार संपर्क में थी और उनसे बातचीत हुई है, ऐसे भी सबूत पुलिस को मिले हैं। इसके चलते जो चौबेपुर थाने की पुलिस इंस्पेक्टर और जो 2 सिपाही और दूसरे लोग हैं उनसे पूछताछ भी की गई है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस सिलसिले में उनकी बात हुई थी, क्योंकि उस वारदात से पहले बातचीत होना और उस 24 घंटे के भीतर बातचीत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले पुलिस और विकास दुबे की झड़प भी हुई थी, जिसमें पुलिस से भी हाथापाई हुई थी, और जो शिकायतकर्ता रोहित है उससे मारपीट भी की थी विकास दुबे ने। तो ये बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को ट्रेस किया जाए, क्योंकि जितना वक्त गुजरेगा विकास दुबे फरार होने की कोशिश आगे भी कर सकता है, और ये बेहद उतना मौका मिल जाएगा आगे फरार होने का। शुक्रिया।